तो वापस शुरू करते स्टार्टिंग से। स्क्रीन मुझे ही नहीं दिख रही, फिर है ही नहीं। अरे क्या हुआ, नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा मुझे दिख रहा है। एक बार चेक करो तुम अपना, ठीक है। सुनो देखो, तो वेन डायग्राम अपना चैप्टर शुरू किए हैं, ठीक है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इसे थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। और थ्योरी के साथ साथ मैं क्वेश्चन करवाते रहूँगा, तो याद रखना क्वेश्चन जो है ये प्रैक्टिस सेट जो मिलता रहेगा वो मैं करवाते रहूँगा, ठीक है। थ्योरी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अरे वो दस आंसर, उसका आज मैं बताऊँगा, वो अलग मेथड है। तुम बता रहे हो वो मेथड नहीं है, वो गलत है, इसीलिए मैं बता रहा था तुम लोगों को। वो नहीं बता रहे थे कि शॉर्ट फॉर्म में ये चार पांच लोगों ने एक ही जैसा बताया था। नहीं गलत है, ठीक है। तो जो वेन डायग्राम जो अपना चैप्टर है, ध्यान से समझना वेन डायग्राम। अब जो सब चुप रहो फिर, है ना, बाद में पूछना डाउट, मैं करवाते जाऊंगा, वो दिन ध्यान देंगे। तो वेन डायग्राम अपन जो चैप्टर शुरू करें, इसमें देखो दो आधा मतलब दो तीन क्वेश्चन हमेशा आते हैं। एक आता है क्वेश्चन चित्रों पर आधारित, ठीक है। दूसरा आता है कहानी पर आधारित, मैं अभी दोनों क्वेश्चनों का कहानी पर आधारित, ठीक है। कहानी का आधारित क्या मतलब होता है वो मैं बता दूंगा अभी दोनों, ठीक है। तो ये दो ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, ये चीज़ याद रखना। तो अपन दोनों टाइप को अपन अभी देख लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ दोनों टाइप के क्या होता है। तो पहला होता है चित्रों पर आधारित, ठीक है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया चित्रों पर आधारित, ठीक है। और ये वाला आता है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा रहता है कहानी पर आधारित, ये वाला मान लो, ये क्या है, ये भी चित्रों पर आधारित है, ठीक है। अभी इनको सॉल्व भी करेंगे, और ये है कहानी पर आधारित, ठीक। अब देखो ध्यान से देना, कहानी पर आधारित होते और चित्रों पर आधारित होते हैं, उसमें कुछ कुछ डेटा दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये चित्रों पर आधारित, मैंने इसमें कुछ कुछ डेटा दिया है, ठीक है। तो डेटा भी याद रखना दो प्रकार के होते हैं डेटा, एक तो निश्चित संख्या में दिया हुआ रहता है, फिक्स नंबर हो, जैसे इसमें फिक्स है, ठीक है। एक होता है प्रतिशत में जो दिया रहता है, कई बार क्या करेगा वो दोनों को मिक्स करके दे देगा, मतलब एक निश्चित नंबर भी दे देगा प्रतिशत भी देगा। अभी मैं ऐसा एग्जाम्पल बता देता हूँ आप लोगों को, जैसे ये तो फिक्स नंबर वाले हैं, ठीक है। अभी कुछ आएंगे जो परसेंटेज वाले भी आएंगे, ये भी फिक्स नंबर वाला है। ये देखो ये रेशियो के रूप में दे दिया, ठीक है। पर ये फिक्स नंबर वाला है मान के चलो, इसको भी परसेंटेज वाला भी मैं बताता हूँ अभी आपको, ये भी फिक्स नंबर वाला है। ये देखो ये क्या है, परसेंटेज वाला भी है, साथ में कुछ नंबर अपने को फिक्स नंबर भी दिया है। तो समझ में आ गया। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इस क्लास का, कि मतलब क्या होता है वेन डायग्राम, वो अपन अब आगे देखना शुरू करेंगे। और सबसे पहले अपन ये देख लेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या होता है वेन डायग्राम, ये चीज़ें अब अपन शुरू करेंगे, ठीक। समझ में आ गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमेशा, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये चीज़ याद रखना। तो ये मैंने तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चन बता दिए, ठीक। आप जैसे सुनो ध्यान से, मैं कुछ क्वेश्चन सोल्व भी करवाते चलता हूँ साथ के साथ, तो उससे क्या ना ईजी पड़ जाएगा मतलब आपको, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अभी नहीं, अभी मैं तो तुम लोग क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ जो सबसे इसके इजी पार्ट है, जो सबसे इजी पार्ट है सबसे पहले अपन उसको ले रहे हैं। तो कुछ कुछ क्वेश्चन मैं करवाते रहूँगा, ठीक। ये सबसे पहले अपन लेते हो चित्रों पर आधारित, ठीक है। ये भी भूल जाओ, अभी नहीं करेंगे ये वाला पार्ट भी, जो चित्रों पर आधारित रहता है वो बहुत ईजी वाले पार्ट है, वो सबसे ईजी पार्ट है उसका, तो वो अपन सबसे पहले कर लेते हैं, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू करते हैं पहला पार्ट, ध्यान से समझना, बहुत ईजी है, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी थ्योरी शुरू करेंगे, उसकी क्वेश्चन कर लेंगे अपन, जब ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं तो ये करेंगे अपन सबसे पहले। अब ध्यान से देखो, नीचे देखिए आरेख में वर्त है, तो वर्त ये होता है, याद रखना। ये पहले अभी ये भी नहीं पता हो ना कि वर्त क्या होता है, आयत होता है, तो भाई जाके पहले है ना एक बार कुएं में जाओ, डूब के आओ, नहा के आओ, फिर आओ, मतलब अपने बेसिक क्लासेज में जाओ, 5 to 10 पढ़ो, फिर वापस वहाँ पर आओ, तब जाके समझ में आएगा। मतलब ये पता होना चाहिए वर्त क्या होता है, वर्ग क्या होता है। अगर ये नहीं पता है ना तो मैं सही बता रहा हूँ, जाके 5वीं क्लास की वो पढ़ो। एक वर्ग है, वर्ग मतलब ये होता है, ठीक। एक त्रिभुज है, त्रिभुज ही, अब देखो त्रिभुज का कल चयन कर लेते हैं, त्रिभुज ये, ठीक है। ध्यान से समझ रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस एग्जाम को उसको मतलब ये जो डायग्राम उसी को देखना पड़ता है, इसी के आधार पर आंसर आते हैं। एक त्रिभुज है जो क्षेत्र को पाँच संयुक्त परिबद्ध क्षेत्रों में बांटता है, ध्यान से समझना। पाँच क्षेत्रों को कौन कौन से, मैं अभी मेंशन कर रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। तो मतलब ये है जो पांच एरिया में डिवाइडेड किया गया, ठीक। प्रत्येक क्षेत्र उन क्षेत्रों से संबंधित खिलाड़ियों की संख्या अंकित है, वर्त में क्रिकेट खिलाड़ी, आप देखो ध्यान से समझना। अब मैं लिख रहा हूँ ब्लैक पेन से, वर्त है ये किसको शो कर रहा है, क्रिकेट को शो कर रहा है,
वर्ग में फुटवाल है, वर्ग मतलब ये फुटवाल है, त्रिभुज में हॉकी खिलाड़ी है, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, ध्यान से अब आते हैं इधर। बहुत इजी क्वेश्चन होता है और ये मतलब आ जाता है, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और आगे एक और दो क्वेश्चन आएंगे जो यूपीएससी क्वेश्चन है, बहुत इजी है, सबसे इजी है ये। मतलब इसमें अपन आपको चैप्टर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, कॉमन सेंस भी आपको पता है, मतलब कॉमन सेंस इन द सेंस आपको थोड़ा बहुत भी अपने डायग्राम को जो क्वेश्चन है उसको रीड कर लिया उससे भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं, अब बस एक चीज़ ये याद रखना कि क्या पूछा है वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा एक सही नहीं है। सही नहीं है मतलब अपने से क्या जानना चाह रहा है, गलत है। ये बहुत मोस्टली लोग गलतियाँ कर जाते हैं, क्वेश्चन पढ़ा करो क्या पूछ रहा है, सही नहीं है मतलब गलत है, गलत आपने को इन चारों स्टेटमेंट में ये देखना है कि गलत कौन है, ठीक। अब ध्यान से देखना, प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलता, अब ध्यान से समझो, पहले हॉकी जो खेलते हैं उसको पकड़ो। अब देखो हॉकी खेलने वाले ये रहे, ठीक है, ध्यान से समझना। अब ये सारे के सारे देखो जो फुटबॉल है जो वर्ग है उसमें आ रहे हैं, तो सब बात है, सही बात है। तो ये तो प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है, ये बात तो क्या? अरे मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, चुपचाप सुनो, अभी तो मैं उठा के फेंक दूंगा, सुनो जो अभी मैं सिखा रहा हूँ सीखो, वो तो मैं करवाऊंगा फिर देखता हूँ तुम्हें कितनी आता है, अभी सीखो जो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं बता रहा हूँ कि कैसे इजी क्वेश्चन है। प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलता, तो ये देखो हॉकी खेलने वाले ये है इसमें आ रहे हैं ये देखो, तो सबसी बात है प्रत्येक हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहा है, ये बात स्टेटमेंट सही हो गया, परंतु अपने को आंसर क्या ढूंढना कौन सा गलत है, ठीक। अब सेकेंड से पहले मैं इधर आना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से समझो। कुछ हॉकी खिलाड़ी देखो ये रहे हॉकी खिलाड़ी जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। अब देखो ये देखो क्रिकेट खेलने वाले ये रहे, अब देखो क्रिकेट कुछ देखो तीन नंबर जो क्रिकेट भी खेल रहा है साथ में फुटबॉल भी खेल रहा है, तो तीन नंबर हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। अगला देखो, कुछ फुटबॉल खिलाड़ी जो ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना हॉकी खेलते हैं, देखो आठ नंबर देखो, ना तो ये हॉकी खेल रहा है और ना ही ये क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। पर अपने को आंसर क्या चाहिए, गलत क्या है, ध्यान से समझाओ। प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी या तो फुटबॉल या हॉकी खेलता है, कहाँ भाई, देखो प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी या तो फुटबॉल या हॉकी खेलता है, नहीं प्रत्येक, देखो ये स्टेटमेंट कब सही होता ध्यान से समझना, जब ये मान लो ये रहता और ये ऐसे ही बने रहता, समझ में आया, बड़ा गोला, ये बड़े गोले में सब आ जाते, एक ध्यान समझो इधर, अगर ये डायग्राम ये रहता तब ये स्टेटमेंट सही होता, समझ में आया। अब आप देखो आप पढ़ो, प्रत्येक क्रिकेट खिलाड़ी सारे क्रिकेट खिलाड़ी या तो फुटबॉल या हॉकी खेलते हैं, ये बात सही है, समझ में आया, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, तो गलत ही अपने को चाहिए, ठीक है। तो ये चित्रों पर आधारित जो होते हैं, एक क्वेश्चन अपने सोल्व किया, बहुत ईजी होता है, ठीक है। अब ये देख, ये वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से समझना बस ये चीज़ को, मतलब मैं बता रहा हूँ कि सबसे ईजी पार्ट है, अरे ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये वाला यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये यूपीएससी 12-13 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। अब देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ ही नहीं करना। उपयुक्त चित्र में वर्त, अब देखो वर्त मैं पहले बता रहा हूँ, ये समझ लो, वर्त ये होता है, वर्ग ये होता है, आयत ऐसा होता है, ठीक है, त्रिभुज ऐसा होता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ी कर जाओगे। वर्त जो पी है मेहनती लोगों निरूपित करता है, ये जो है सब मेहनती लोग हैं, मेहनती मतलब हार्ड वर्किंग लोग, ये लोग हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। वर्त क्यू बुद्धिमान लोगों को निरूपित करता है, ये देखो बुद्धिमान लोग हैं, क्यों, अब ध्यान से समझो, मैं इसे दो डायग्राम को ले रहा हूँ, सबसे पहले ध्यान से समझो, देखो 11 नंबर ये मान के चलो, नंबर ये मान के चलो कि किसी का नाम है, ये राम है और ये श्याम है, ये ऐसे लोग हैं जो मेहनती भी है और बुद्धिमान भी है, सही है ना, क्योंकि देखो ये इस मेहनती में भी आ रहे हैं और बुद्धिमान में भी आ रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझ गए। अगला वर्त आर सच्चे लोगों को निरूपित करता है और ऐसे ईमानदार लोगों को निरूपित करता है, अब ध्यान से समझना, जो 5 नंबर है मान लो गीता है, गीता सच्ची भी है और ईमानदार भी है, परंतु न तो वो मेहनती है न बुद्धिमान है, समझ में आया, क्यों, क्योंकि देखो ये गोले में नहीं आ रही, तो ये नहीं आ रही तो मतलब इसका पार्ट नहीं है, ठीक। अब ये समझ में आ गया अपना, अगले इधर भी सोच लो, ये नवा नंबर जो है ये मान लो कि ये है रिंकू मेहनती भी है और सच्चा है, परंतु ना तो बुद्धिमान है ना ईमानदार है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया। अब आगे देखो,
कौन सा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों को निरूपित करता है जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे किंतु मेहनती नहीं। अब ध्यान से समझना, क्या क्या होना चाहिए, वो बुद्धिमान भी होना चाहिए वो व्यक्ति, ठीक है, ईमानदार भी होना चाहिए और सच्चा भी होना चाहिए, पर मेहनती नहीं होना चाहिए भाई। तो ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना तुम लोग, अब ये रेड जोन एरिया भाई, इस एरिया में नहीं जाना, वो मेहनती नहीं है वो, तो ये नहीं तो सबाई सी बात है कि ना वो 10 आएगा, ना 11 आएगा, 7 आएगा, ना 8 आएगा, ना 9 आएगा, ठीक। ध्यान से समझ में आ गया। अब देखो 6 नंबर पे अपन कंसीडर करते हैं, 6 नंबर पे ध्यान से समझना, 6 नंबर को लेते हैं अपन, 6 नंबर, ये वाला नंबर, ये एरिया। अब ध्यान से देखना, बस एक ही चीज़ ध्यान से देखना, देखो क्या क्या चाहिए अपने को, बुद्धिमान चाहिए, तो देखो 6 नंबर बुद्धिमान भी है, ठीक है, ईमानदार भी चाहिए तो ईमानदार के गोले में भी आ रहा है, ईमानदारी के गोले में भी आ रहा है, सच्चा चाहिए, सच्चा भी है, परंतु मेहनती भी नहीं हो, मेहनती देखो, मेहनती ये नहीं है, मेहनती से बाहर है, तो यही तो अपने को चाहिए, तो आंसर अपना 6 आ गया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में, बोलो रे, सो गए क्या, कहाँ सो गए क्या सब लोग? नहीं सर, ठीक है। आप लोग क्यों नहीं दियो? समझ में आया नहीं आया? हाँ ठीक है, तो ये दो इजी क्वेश्चन थे, सबसे इजी क्वेश्चन। अब आते हैं अपन इसकी थ्योरी करते हैं, ठीक है, तो थ्योरी करने के लिए मैं उधर जा रहा हूँ, ठीक है, समझ में आ गया ना, अब इसकी थ्योरी पढ़ेंगे अपन। अब देखो दो क्वेश्चन तो अपने, देखो 43 क्वेश्चन थे, ये चित्र पर आधारित होते, ये सब मैं बता दिया था, ठीक है, अब ध्यान से समझो, अब इसका अपन बेसिक समझेंगे, समझ में आया बेसिक से एक बार, ठीक। तो 43 क्वेश्चन है जिसमें दो क्वेश्चन अपने सोल्व कर लिए, बहुत ईजी है उसमें, मुझे बताओ उसमें से किसी को दिक्कत है अभी, सना बताओ तुम्हें कोई दिक्कत है उसमें? सना सो गई लग रहा है, पक्का सो गई वो दवा लेके। अब सुनो, ठीक है, दो क्वेश्चन हो गया, देखो आगे, देखो अब आगे क्वेश्चन के लिए अब मैं कुछ कुछ चीज़ें बताते जाऊंगा अभी से, देखो। अरे चाहो तो ना अपना नोट्स बनाओ, ज़्यादा बेहतर रहेगा, तभी ज़्यादा फायदा रहेगा, नहीं तो ऐसे को मतलब नहीं है ऐसे क्लास देखने से, ठीक है। थोड़ा मोटा यूज करता हूँ, ठीक है। ए अरे आवाज़ कुछ बोलोगे तुम तो, तुम लोगों शार्प सुन जाता है कि जब मैं पूछता हूँ, ज़्यादा मोटा हो गया क्या बात है ना, दिखना भी चाहिए ना अच्छे तरीके से। चलो सुनो, नोट्स बनाओ अपने, ऐसे को मतलब नहीं होगा, मैं फिर बता रहा हूँ, ठीक है। वेन आ रहे, अपने म्यूट करो, म्यूट करो अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखो सर, येलो कलर, ग्रीन कलर, दूसरा नहीं, क्या हो गया, डार्क कलर ही चल रहा है, डार्क कलर का पेन ही यूज कीजिएगा सर, तो ये येलो ग्रीन वाला। अच्छा वो नहीं करो ना, ये तो कर सकता हूँ ना, ठीक है। सुनो ध्यान से, नोट्स बनाओ तभी फायदा, ठीक है। आप आगे देखो, महत्वपूर्ण शब्द है, इसके पहले वो चीज़ समझना पड़ेगा, इसमें कुछ कुछ महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले होता है केवल, ठीक है, केवल को अपन ओनली भी बोलते हैं, केवल जैसा एक वर्ड होता है सिर्फ, एग्जैक्टली, ठीक है। एक होता मात्र, ठीक है, इन वर्ड का यूज करना सीखो। जैसे मान लो तुम सब्जी मार्केट में गए, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी सब्जियाँ रखी है, तुमने बोला कि मुझे वो सब्जी चाहिए, अब वो ऐसे नहीं समझेगा, मतलब या वो आपने बोला कि मुझे सब्जी चाहिए, तो सब्जी तो बहुत सारी रखी हुई है। अब आप मान लो कि सोच लो कि आपको करेले की सब्जी चाहिए, तो आप बोलोगे कि मुझे करेले की सब्जी चाहिए, ध्यान से समझना। तो आपने स्पेसिफाई कर दिया, स्पेसिफाई मतलब देखो, एक बोला आपने करेले की सब्जी चाहिए, आपने बोला एक शब्द तो ये हो गया करेले की सब्जी चाहिए, इसके अतिरिक्त ये भी हो सकता है कि आपको और कोई सब्जी भी चाहिए, समझ में आया, परंतु आपने ये बोला मुझे सिर्फ या केवल या मात्र करेले की सब्जी चाहिए, इससे क्या हुआ, फिक्स हो गया कि तुम्हें क्या चाहिए, ओनली एक सब्जी चाहिए, जो भी करेले की सब्जी चाहिए,
समझ में आया ये वर्ड? ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, ये वर्ड बहुत समझना जरूरी है, ये चीज़ याद रखना। जब तक इस वर्ड को नहीं समझोगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ये चीज़ समझो। अगर मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मुझे सब्जी चाहिए, तो सब्जी तो बहुत सारी रखी हुई है, फिर आपने बोला कि मुझे करेले की सब्जी चाहिए, इससे ये फिक्स नहीं हो रहा कि आपको और सब्जी चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। परंतु जब आपने ये बोला कि मुझे केवल करेले की सब्जी चाहिए, तो इससे फिक्स हो गया कि आपको इसके अलावा और कोई सब्जी नहीं चाहिए। समझ में आया? ठीक है। दूसरा जो वर्ड होता है इसमें इम्पोर्टेंट, वो होता है कम से कम या न्यूनतम, इसको बोलेंगे इंग्लिश में एटलीस्ट या मिनिमम। आप ध्यान से समझना, अब इसको मैं कैसे वर्ड में सेंटेंस में यूज कर रहा हूँ। अरे ना, हिंदी कंपलसरी पेपर में भी आता है, ऐसे वर्ड दिए रहता है उसमें आपको लिखना होता है, ठीक है। सुनो ध्यान से, मान लो कि 11 प्लेयर की मुझे टीम चुननी है, ठीक है। कम से कम क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, ठीक है। कम से कम नहीं, मतलब ये छोड़ो, मैं एक अलग एग्जांपल देता हूँ, ताश पत्ती वाला एग्जांपल। देखो मोस्टली ताश पत्ती जो खेलते हैं ना, जैसे मैंने खेला है, दो वाला है, लोग दो लोग भी खेल सकते हैं ताश पत्ती, तीन लोग भी खेल सकते हैं और चार लोग भी खेल सकते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना अभी इस वर्ड का मतलब, ताश पत्ती खेलने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए? दो। तो ये क्या रिप्रेजेंट करे? इससे कम नहीं होना चाहिए, कम से कम, मतलब समझ रहे हो ना, कम से कम दो लोग तो चाहिए ही, ठीक है, उससे ज़्यादा चलेगा। जैसे बैडमिंटन है, बैडमिंटन खेलने के लिए दो लोग चाहिए ना, तो कम से कम दो व्यक्ति खिलाड़ी चाहिए बैडमिंटन खेलने के लिए। तो ये क्या है, मिनिमम पॉसिबिलिटी बता दिया, इससे कम नहीं चाहिए, दो से गए एक तो नहीं खेल पाओगे, उससे अधिक चलेगा, दो तीन चार, समझ में आया, ये चीज़ याद रखना। तो ये वर्ड हो गया कम से कम। दूसरी बात, ये एटलीस्ट मिनिमम को बताता है, मैक्सिमम को नहीं इंश्योर कर रहा, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, ये मिनिमम को बता रहा है। और इसमें पॉसिबिलिटीज है, पर ओनली जब यूज़ करते हैं तो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, पर इसमें पॉसिबिलिटी है, ये चीज़ याद रखना, ये वर्ड बहुत बार यूज होगा क्वेश्चन में, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है अधिक से अधिक, ठीक है, या अधिकतम, मतलब मैक्सिमम या एटमोस्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आप मार्केट में गए, ठीक है, आपको घर से आपकी मम्मी ने बोल के भेजा आपको कि 5 सेव लाना है, ठीक है, नहीं, आपकी मम्मी ने बोला अधिक से अधिक 5 सेव लाना, ध्यान से समझना। आप सब्जी वाले के पास गए, मतलब फल वाले के पास गए, फल वाले को बोला कि सेव दे दो, वो आपसे पूछेगा कितने, तो बोला, आपने बोला अधिक से अधिक 5, समझ में, इसका मतलब वो सब्जी वाला क्या समझेगा, इसको मैं 5 भी दे सकता हूँ, 4 भी दे सकता हूँ, 3 भी दे सकता हूँ, 2 भी दे सकता हूँ, 1 भी दे सकता हूँ, ध्यान से समझना ये चीज़। आपने मैक्सिमम लिमिट दी है, ना कि मिनिमम, नहीं आपने फिक्स बोला है, अब ये चीज़ ध्यान से समझना, यही अब मैं तीनों वर्ड सिखा रहा हूँ यहीं पर, है ना। आपने बोला कम से कम मुझे 2 चाहिए और अधिक से अधिक मुझे 5 चाहिए, ठीक है, और एक मैंने वर्ड बोला ओनली मुझे 3 सेव चाहिए, ठीक है, ध्यान से समझना। ओनली 3 बोल दिया तो आपको 3 ही देगा वो। अगर आपने बोला मुझे, अगर मान लो ये कि लाइन में आपने ये वर्ड बोला कम से कम मुझे 2 चाहिए और अधिक से अधिक 5 चाहिए, तो वो क्या सोचा, 2 से लेके आपको 5 के बीच में दे देगा, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, पर ना तो 2 से कम देगा और ना ही 5 से आपको ज़्यादा देगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हुई आपको समझने में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वर्ड के ही इर्द गिर्द सारा जो है क्वेश्चन घूमेंगे, ये चीज़ याद रखना, ये तीनों वर्ड बहुत समझ लो, फिर मैं बता रहा हूँ ये चीज़। अभी बताओ कोई दिक्कत है समझने में, या फिर मैं आगे बढ़ूँ? फिर मैं बता रहा हूँ, आगे डाउट नहीं होनी चाहिए, इसी के पीछे सारे क्वेश्चन घूमेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। अरे क्या हो गया, कहाँ लोग सो गए तुम लोग? अरे कुछ बोलो, ऐसे पता नहीं लगता, हाँ ना तो किया करते रहो। ठीक है, मुझे पता लगा मैं पढ़ाते जा रहा हूँ इधर, तुम्हारे पास वॉइस ही नहीं पहुँची, फिर मुझे कैसे पता चलेगा? नाम लेके पूछ। अच्छा ठीक है, अब देखो सुनो,
अब केवल के बारे में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लो जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो केवल क्या हो जाता है, कन्फर्म। केवल का मतलब होता है कन्फर्म, श्योर, ठीक है, नो कन्फ्यूजन, मतलब साफ बोल दे कि आपको केवल तीन सेव चाहिए तो तीन ही देगा। सोचो समझना ध्यान से, उसे दुकानदारों कुछ भी कन्फ्यूजन होगा नो, उसे पता है कि तुम तीन मांग रहे हो तीन दे देगा वो। और जब केवल आपने बोला तीन, तो यही मैक्सिमम है और यही मिनिमम है, समझ में आया, ठीक है। जो आपने जो बोला है वही मैक्सिमम और वही मिनिमम है, और ये जो आपने बोल दिया तीन मतलब तीन, तो 100% इसी की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, जब आपने बोला कि केवल तीन सेव चाहिए तो एक ही ऑप्शन है, अब वो सामने वाला जो दुकानदार उसके माइंड में दो ऑप्शन से ही आएगा, पर आप जब कम से कम बोल रहे हो तो कम से कम में तो दो ऑप्शन आ जाएगा। कम से कम बोला आपने दो चाहिए, तो दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, पाँच भी दे, वो पूछेगा आपको दोबारा कितने चाहिए आपको। आप फिर बोल रहे हो कि दो, कम से कम दो चाहिए तो कन्फ्यूज आ जाएगा ना। तो आपको जब श्योर बोल रहा हूँ, 100% श्योर बोल रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, केवल तीन सेव चाहिए मुझे, ठीक है। तो एक विकल्प होता है, दूसरी बात यही मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, यही होगा, ठीक है। परंतु जब कम से कम बोलते हैं तो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, बढ़ भी रहा है। जब अधिक से अधिक पाँच बोला तो उसे कम भी हो सकता है, समझ में आए, ठीक है, एक चीज़ याद रखना। अब जैसे मान लो अगर कोई स्टेटमेंट सकारात्मक हो, ठीक है, तो केवल हमेशा नकारात्मक बताता है। जैसे मान लो कि 50 बच्चे हैं क्लास में, 50 बच्चे हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि केवल कक्षा में केवल 50 बच्चे हैं, ठीक है, केवल, तो 50 बच्चे को इंश्योर कर रहा है, तो इसका मतलब है 50 से ज़्यादा न तो है न ही उससे कम है, समझ में आया। तो इतना समझो मतलब कि ये फिक्स नंबर को दिखाता है, ठीक है, 100% श्योर करता है, ठीक है। जैसे मान लो आपने बोला, एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक स्टेटमेंट है केवल का, मैं यूज करके बना रहा हूँ, कक्षा में केवल हिंदी जानने वाले बैठे हैं, केवल हिंदी जानने वाले बैठे हैं, इसके मतलब है कि इसके अलावा कोई और अन्य भाषा नहीं जानते हैं, ठीक है, केवल हिंदी नहीं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब ये वर्ड समझो कि सेंटेंस फॉर्मेशन नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को शो करता है, और जब ये पॉजिटिव होता तब नेगेटिव को शो करता है। जैसे कैसे, ध्यान से समझना कि मैं केवल हिंदी नहीं जानता हूँ, ये नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया, मैं केवल हिंदी नहीं जानता हूँ, इसका मतलब वह है हिंदी के अलावा ये अन्य भाषा जानता है, समझ में आया। तो ये जब नेगेटिव स्टेटमेंट है केवल, तब ये पॉजिटिव को शो करता है, जब ये पॉजिटिव होता है, जैसे पॉजिटिव मतलब जैसे मैं केवल हिंदी जानता हूँ, ठीक है, केवल हिंदी जानता हूँ, ठीक है, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, पर इसे नेगेटिव वर्ड क्या हो गया, अन्य भाषा नहीं जानता हूँ, समझ में आया। तो ये चीज़ याद रखना, जब ये पॉजिटिव होता है नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, जब नेगेटिव होता है पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला है कम से कम, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना, सारे क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द आएंगे, कम से कम। तो देखो मैंने क्या बोला, जब दुकानदार के पास गए कम से कम दो सेव चाहिए, तो ये क्या संभावना को रिप्रेजेंट कर दिया ना आपने, संभावना, पॉसिबिलिटी, वो आपको दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, पांच भी दे सकता है, ठीक। तो ये सब ऐसी बात है, एक से अधिक विकल्प हो गए, एक से अधिक ऑप्शन हो गए ना उस दुकानदार के पास, वो आपको दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, पाँच भी दे सकता है। दूसरी बात, ये बढ़ते क्रम को दर्शाएगा, क्योंकि आपने मिनिमम बता दिया कि दो से कम तो चाहिए नहीं मुझे, उसे ज़्यादा दे दो चाहिए आप मुझे कितना भी, समझ में आए। तो बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, ठीक। इसलिए न्यूनतम निर्धारित करता है, तो न्यूनतम निर्धारित कर दिया कि दो चाहिए, उससे ज़्यादा ही चाहिए, दो से कम नहीं चाहिए मुझे, ठीक। पर याद रखना इसमें मैक्सिमम निर्धारित नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जैसे ध्यान से समझना, मैंने एक स्टेटमेंट बोला कम से कम मैं हिंदी जानता हूँ, अब मुझे बताओ कि मेरे बारे में कौन क्या बता पाएगा। मैं हो सकता है हिंदी के अलावा तेलुगू भी जानता हूँ, आंध्रा भी, मतलब तमिल भी जानता हूँ, मैंने बस इतना बोला है भाई मैं हिंदी जानता हूँ, तो मेरे बारे में कोई ऐसा भी नहीं बोल सकता कि कोई भाषा नहीं जानता, मतलब खुद तो जानता हूँ मैं हिंदी, और ये भी नहीं बता सकते कि तुम मेरे बारे में कि मैं हिंदी के अलावा और कौन कौन सी भाषा जानता हूँ। तो इसका मतलब अन्य भाषा की पॉसिबिलिटी बन गई, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? सपना नहीं समझ में आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। झूठ मार्ट का नहीं बोलना, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। अरे आ रहा है, नहीं आएगा तो फिर जो है ना वीआईटी में देख लेती हूँ बार बार।
की क्लास। और हाँ ये बताना था, जैसे आप भी इस क्लास स्टार्ट रिकॉर्ड करते हो ना और वाईटी पे डालते हो तो उसका ना टॉपिक लिख दिया करो, इंडियन सोसाइटी का भी। अच्छा मैं बार बार में देखती हूँ तो कुछ पता नहीं चलता और इतना डाटा नहीं होता कि सबको ओपन करके देखूं। ठीक है ठीक, आगे से ध्यान रखूंगा। ठीक है सुनो, तो फिर या फिर क्वेश्चन इंडियन सोसाइटी का क्वेश्चंस भी केवल लिख देंगे ना सर स्क्रीन पे, तो फिर वो समझ में आ जाता है कि इसमें किस टॉपिक में क्या है। अरे देखो डेली थंबनेल नहीं बन सकता, वो मैं टॉपिक लिख दूंगा वो हो जाएगा। ठीक है टॉपिक लिखाया जा सकता, चलो ठीक है लिख दो। सुनो आगे बढ़ो, अब देखो, अब जैसे मान लो मैंने क्या बोला, कम से कम आपने बोला दो सेव चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब दो या दो से अधिक, मतलब आपको दो भी दे सकता है या दो से अधिक भी दे सकता है। ठीक, ध्यान से समझना, मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि एक या एक से अधिक पॉसिबिलिटी आपकी बन जाएगी। ठीक, अब अगला केस लेके चल रहे हैं अपन, अधिक से अधिक, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों के पीछे क्वेश्चन घूमेगा। अब अगला क्वेश्चन है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक। अब मैंने क्या बोला था, आपने बोला अधिक से अधिक पांच सेव चाहिए, पांच सेव, तो ध्यान रखना, तो अभी इसमें पांच सेव है तो दुकानदार के पास में डाउट में आ जाएगा कि मैं इसको एक सेव दूँ, दो सेव दूँ, तीन दूँ, चार दूँ, पाँच दूँ, पैसे ज़्यादा तो नहीं जाएगा वो। ठीक, अब सब ऐसी बात है, इसमें क्या हो गया, एक से अधिक विकल्प हो गया, इसमें एक से अधिक ऑप्शन हो गया अपने पास। ठीक है, दूसरी बात देखो, अधिकतम निर्धारित कर दिया इसने भाई पाँच, मुझे अधिक से अधिक कितने चाहिए, पाँच ही चाहिए, न्यूनतम क्या होगा यहाँ पे, जीरो भी हो सकता है, जीरो से लेके पाँच के बीच में कुछ भी हो सकता है न्यूनतम। ठीक, अभी देखो ये घटते क्रम में दिखा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है जी, पाँच भी दे सकता है, चार भी दे सकता है, तीन दो एक, छः से ले देगा वो, छः तो किसी हालतों से नहीं देगा। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने बोल दिया अधिक से अधिक मुझे पाँच सेव चाहिए, तो आपको केवल वो कितना, केवल आपको पाँच भी दे सकता है, केवल आपको दो भी दे, सॉरी चार भी दे सकता है, केवल आपको तीन भी दे सकता है, केवल आपको दो भी दे सकता है, और ऐसे केवल वन भी दे सकता है और जीरो भी दे सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, पॉसिबिलिटी को शो करता है। अब ध्यान से समझो अगला चीज, अब देखो, अब जैसे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, कभी आपको बोल देगा कि स्टूडेंट है, ठीक है, उनको अलग अलग समूह में बांटना है, अलग अलग समूह में बांटना है। ठीक है, ध्यान से समझना, अलग अलग समूह में बांटना है। अब जैसे मान लो कि आपको क्रिकेट प्रतियोगिता करानी है, तो आपके पास स्टूडेंट है, अब उसमें गर्ल्स भी रहेगी, ध्यान से समझना, ठीक है, गर्ल्स भी रहेगी, बॉयज़ भी रहेंगे, पहले आप गर्ल्स बॉयज़ को डिवाइड करोगे, फिर उसमें आप टीम को तैयार करोगे। ठीक है, आधार क्या रहेगा, अब किस आधार पर आप उनको बांटना चाहते हो, तथ्य क्या आधार है, आप मान लो फिल्म के आधार पर बांटना चाहते हो स्टूडेंट को, किसको कौन सी फिल्म पसंद है, आप भाषा के आधार पर भी उनको डिवाइड कर सकते हो, किसको कौन सी भाषा पसंद है, ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप बना दोगे आप। ठीक है, आप उनको खेल के आधार पर बता दोगे, कौन क्या क्या खेलना पसंद करता, सब इधर उधर चले जाओ, आप किसके पास कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहोगे आप इलेवंथ क्लास में, उस आधार पर बांट सकते हो, या किसको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है उस आधार पर बांट सकते हो। आपको रिजल्ट मान लो निकालना है, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण है, उसके आधार पर आप बच्चों को बांट सकते हो, इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, इतने बच्चे हैं कि जो दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, दोनों सब्जेक्ट में फेल हुए, समझ में आया, इस आधार पर बांट सकते हो, संगीत के आधार पर बांट सकते हो, पेय पदार्थ कौन सा है, दारू पीता है मतलब ठीक है स्टूडेंट तो दारू ऐसे पीते हैं पर मतलब समझ रहे हो ना, कि मतलब वो कौन सा जूस पीना पसंद करते हैं, जो भी है न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना पसंद करते हैं, इस आधार पर बांटा जा सकता है। अब देखो अगली चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान से समझना, अगर ये चीज़ समझ लिए तो ये मान के चलो कि बहुत सारे क्वेश्चन करना तुम सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, अब आगे ध्यान से समझना, देखो अब देखो भाषा के आधार पर मैं दो केस लेके चल रहा हूँ, ध्यान से समझना, भाषा के आधार पर केस वन, इसमें मैंने भाषा लिया दो भाषा, हिंदी और इंग्लिश, केस टू लिया है मैंने टू तीन भाषा के आधार पर, ध्यान से समझना ये चीज़, ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना, तो यहाँ पे दो भाषा लिए मैंने हिंदी और इंग्लिश, यहाँ पे मैंने लिया है हिंदी इंग्लिश और उर्दू। ठीक है, ध्यान से समझना आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ गए तो ये क्वेश्चन बना लोगे सारे। अब देखो
ध्यान समझना, एक ऐसा बच्चा हो सकता है जिसको हिंदी आता हो इंग्लिश नहीं आता हो, हो सकता है एक ऐसा बच्चा, तो एक ग्रुप वन ऐसा बच्चों को बन गया जिनको हिंदी आता है इंग्लिश नहीं आता है, समझ में आना ये ध्यान समझना। अगला ग्रुप बन जाएगा बच्चों का जिनको हिंदी नहीं आता है इंग्लिश आता है, बन जाएगा ना ऐसा ग्रुप भी, ठीक। ग्रुप थ्री अपना बनेगा जिनको हिंदी भी आता है और इंग्लिश में आता है, ऐसे भी विद्वान होंगे जिनको दोनों भाषाएँ आती हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बच्चे को क्या बोलेंगे, पढ़ने में होशियार है। अगला है कुछ बच्चे जिनको ना तो हिंदी आता है ना इंग्लिश आता है। मैं जब, मुझे याद अच्छी तरीके से, मेरे 8th क्लास की बात है, सोचो 8th क्लास तक मेरी स्कूल में मतलब कितने 90 समथिंग बच्चे थे। अब देखो मेरी स्थिति ये थी कि मैं हिंदी भी पढ़नी आती थी, मुझे इंग्लिश ही पढ़नी आती थी, ठीक है। और बच्चों का हालात क्या था, ठीक है, कुछ बच्चे ओनली हिंदी पढ़ना जानते थे, सही बता रहा हूँ, हकीकत में बता रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ की हालात है, हिंदी आती थी इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश में। अरे ऐसा बच्चा तो कोई नहीं था जिसको हिंदी नहीं आती इंग्लिश, ऐसा बच्चा तो कोई नहीं था, परंतु यहाँ पे मिल जाते ऐसे बच्चे जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं ना, उनको हिंदी से डर लगता है, ठीक है। पर मैं बता रहा हूँ एक केस, अरे एक केस ऐसा भी है जिसमें हिंदी भी नहीं पढ़ना आता, उसको इंग्लिश भी नहीं पढ़ना आता, ऐसे बच्चे भी आपको मिल जाएंगे। अब मुझे बताओ इसके अलावा कोई केस बनेगा, सपना बताओ कोई केस बनेगा इसके अलावा, दो भाषा को लेके ये केस बनेगा ना। अरे कुछ बोल नहीं रहे हो, बताओ मेरे को नहीं पता, क्या समझ में नहीं आ रहा कि इसका मतलब तुम्हें, तो क्या हुआ ये नहीं आ रहा, इसमें क्या नहीं समझ में आया बताइए आप। शुरू से ही नहीं आया क्योंकि मैंने अभी चली गई थी थोड़ी देर पहले। अब वो डंडा लाऊं अभी? नहीं एक काम करो, मैं नीति और उससे पूछ लूं, मैं इसमें YouTube पे दोबारा देख लूं। अमित अमित और इसके अलावा कौन कौन है यहाँ पे, सब लोग तो भाग जाते हो तो फिर तुम लोग बोलते हो सीसेट में ऐसे मन लूंगा ना, अब देखो कौन है इसमें, कोई बचा ही नहीं है, सना और नीति बच्चे है बस। अब फिर लोग बोलते हो वो कहाँ गए आज, नगीना कहाँ गई, क्लास जब तो बोल रहे थे कल से शुरू करो कल से शुरू करो। सना सना भी सो गई है, सना क्या कर रही हो तुम, सना अरे भाई देखो फिर ऐसे पढ़ने मजा नहीं, फिर मैं अपनी एनर्जी भी इधर वेस्ट करूँ, तुम लोग पढ़ते नहीं फिर बोलते हो ये पढ़ा दो ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, ऐसे मजा नहीं आता ना। तुम होगी क्लास छोड़ के भाग रही हो, वैसे कैसे काम चलेगा रे, अभी रुको सना को मैं कॉल करता हूँ, ऐसे नहीं लागू तुम, ऐसे लोग नहीं सुधरोगे तुम लोग, मेरे क्लास में बोलना मत दोबारा की पढ़ा दो, जो कहाँ भाग गए सब लोग भाग गए ना, अरे फिर काहे मेरा टाइम भी खराब करते हो तुम लोग, पढ़ना तो फिर पढ़ो ना चुपचाप, काहे नहीं पढ़ते हो तुम लोग, कहाँ पे हो क्लास क्यों नहीं कर रही हो, तो फिर आप बोल क्यों नहीं रहे ये बताइए, समझ में आ रहा नहीं, बोलो बोलो कहाँ बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रही आपकी, तो करो करो बात करो रिप्लाई किया करो। अमित कहाँ भाग गया, ऐसे लोग तुम लोग भाग जाते हो, तुम लोग क्या पढ़ाया जाए फिर, ऐसे नालायक बच्चों को पढ़ाने में मैं। वो नगीना देखो नगीना भागी हुई है, ठीक है सबको म्यूट करो अपनी तरफ से, भागा मत करो चुपचाप क्लास देखा करो ना, उठा के फेंक दूंगा तुम्हें। सर मैं तो क्लास में थी, क्लास में पूछो, क्लास में नहीं थी तो तुम बोल क्यों नहीं रही थी, ये समझ में आया नहीं आया ये बता, अभी तक जो मैंने पढ़ाया वो सर, अभी ट्यूशन करवाऊंगा फिर बताता हूँ मैं तुम्हें, है ना, सुनो ध्यान से दोबारा, हैं मेरे को तो और खतरा है सर आपसे। कि सुबह मेरे से मिलोगी तुम। अब चुपचाप इधर सीख लो ठीक है, सपना भागना मत, अब इधर चुपचाप देख लो ठीक है, सुनो इधर ध्यान से, अब देखो केस वाले में अपन दो भाषा ले रहे हैं, एक हिंदी जानने वाले और इंग्लिश जानने वाले, ठीक है ध्यान से समझना।
एक केस ये हो सकता है क्लास के बच्चों का कि जिसमें बच्चे हिंदी जानते हो इंग्लिश नहीं जानते, ऐसे मेरे क्लासरूम में ऐसे बच्चे थे। ग्रुप टू ऐसा हो सकता है जिनको हिंदी नहीं आता हो इंग्लिश आते हैं, तो ऐसे लोग भी हैं सिपा जैसे लोग जिसको हिंदी नहीं आता, उसकी हिंदी कंपलसरी पास नहीं हुआ है ठीक है। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको हिंदी से डर लगता है, इंग्लिश अच्छी आती है उनको ठीक। ग्रुप थ्री ऐसे पीपल हो सकते हैं जिनको हिंदी भी अच्छी आती है और इंग्लिश भी अच्छी आती है, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बनती है। एक ग्रुप फोर बन जाएगा जिसमें जिसको हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती ठीक है। तो याद रखना, जब भी दो भाषा के आधार पर डिवीजन किया जाएगा तो चार ही पॉसिबिलिटीज बनती है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ये चीज़ याद रखना। अब देखो मैं इसके आधार पर एक वेन डायग्राम बना रहा हूँ ठीक है, तो ध्यान से समझना ये वेन डायग्राम को। देखो ये जानने वाले हिंदी जानने वाले, ध्यान से समझना, और ये जानने वाले हैं इंग्लिश जानने वाले। सपना देख रही हो ना, फिर तुम मैं उठा फेंक दूंगा तुम्हें ठीक है। अब ध्यान से देखना, इधर ये हिंदी जानने वाले हैं, इंग्लिश जानने वाले हैं। मैंने कलर ये यूज करा, ध्यान से समझना। अब देखो पहला केस, ग्रुप वन हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं, अब ध्यान से समझना। तो ग्रुप वन ये रहेगा, क्यों? ये हिंदी जानते हैं परंतु इंग्लिश नहीं, क्योंकि देखो इंग्लिश का बोला यहीं तक आ रहा है, समझ में आया? तो ये कौन सा केस हो गया जिसमें हिंदी जानते हैं और इंग्लिश नहीं जानते, याद रख रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बार बार बता रहा हूँ, ये नहीं समझोगे तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे ठीक। दूसरा केस, तो ये केस अपना कंप्लीट हो गया, जो हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते ठीक। अगला है अंग्रेजी तो जानते पर हिंदी नहीं जानते, इसका मतलब ये नहीं जानते हैं, इधर नहीं आएगा इधर आएगा, मतलब हिंदी नहीं जानते हैं इंग्लिश जानते हैं ठीक है। अगला देखो G3, ये हो गया G3 को देखो, हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी, तो देखो हिंदी जानने वाले और इंग्लिश जानने वाले, यहाँ पे मतलब हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी जानते हैं ठीक है। अगला जो चौथा केस, जो हिंदी भी नहीं जानते और इंग्लिश भी नहीं जानते, मतलब दोनों भाषा नहीं जानते, अब ध्यान से समझना। अब देखो ये तो हिंदी जानने वाले हो गए, ये इंग्लिश जानने वाले हो गए, अब ये तो समझ में यहाँ तो नहीं आएगा। अब इसके बाहर जो है ये जो एरिया है जो ना तो हिंदी जानते हैं ना ये अपने इंग्लिश जानते हैं ठीक है। ये बताओ ये समझ में आया? मैं फिर बता रहा हूँ, यही सारा गेम इन्हीं के पीछे है। ये देखो दो भाषा वाला तीन भाषा वाला इसी के आधार पर वो खेलता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? अरे बताओ, नहीं मैं सही बता रहा हूँ, यही चीज इंपॉर्टेंट है। ए सना बताओ कहाँ गई, भाग गए अब सना? अब तुम लोग, अरे जिंदा हो? क्या हो गया? अरे आवाज आ रही है मेरी? कहाँ से आप आ रहे हैं? ये बताओ आखिरी में कहाँ तक बताया था ये बताओ मुझे एक बार। सर आप हम आप कहाँ से मतलब बता के दीजिए। आवाज नहीं आ रही थी कि मेरी? सर हम तो ऐसे बैठे हैं, आपको दो कॉल की है व्हाट्सएप पे, इसका मतलब वो आवाज अभी आ रही है आवाज मेरी, ये बताओ। अब चलो ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ केस ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर दोबारा बता रहा हूँ, वो नहीं समझे तो पूरा चैप्टर नहीं समझ में आएगा, कोई मतलब नहीं है। तभी मैं देखूँ कहाँ भागे, सुनो ध्यान से। इधर देखो भाषा के आधार पर अपन दो केस लेके चल रहे हैं, एक केस है जिसमें दो भाषा जानने वाले, दूसरा केस है तीन भाषा जानने वाले, ध्यान से समझना। एक बार यहाँ तक बता दिया था ना, ध्यान से समझो, अब ये मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार सुन लो। अब मैंने केस लिया है एक हिंदी जानने वाले एक इंग्लिश जानने वाले, मान लो मैंने दो दो भाषा ली,
तो पहला केस बने मतलब ग्रुप बनेगा, मतलब क्लास के विद्यार्थी जिसमें जिनको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, एक ग्रुप ये बन जाएगा तो ग्रुप वन हो गया। दूसरा ग्रुप बनेगा जिनको हिंदी नहीं आती है इंग्लिश आती है, ठीक है। थर्ड ग्रुप बनेगा जिसको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है। चौथा ग्रुप बनेगा जिसको ना तो हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। अब इसका मैं वेन आरेख बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। वेन आरेख ये है, ये वेन आरेख है, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान से समझना, ये है जो हिंदी को जानते हैं, ये है जो इंग्लिश को जानते हैं। अब पहला ग्रुप को मुझे यहाँ पे शो करना है जो हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते। देखो हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते, क्योंकि देखो इंग्लिश जानने वाले तो इधर आएंगे, पर ये इंग्लिश नहीं जानता तो ये आ जाएगा पहला। दूसरा केस जो हिंदी नहीं जानता इंग्लिश जानता है, तो ये देखो इंग्लिश जानने वाले इधर आ जाएंगे, हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है। थर्ड केस जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, तो देखो इंटरसेक्शन आएगा दोनों, मतलब दोनों को कॉमन आएगा, तो ये वाला एरिया होगा जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी नहीं इंग्लिश जानते हैं। चौथा जो ना तो हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश। अब देखो ये एरिया हिंदी जानने वालों का, ये इंग्लिश जानने वालों, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एरिया होगा इस ब्रैकेट में, ठीक है, ये वाला पूरा एरिया, ये मान के चलो ये पूरा एरिया, तो वो कौन सा है जो ना तो हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई है मुझे बताओ, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बताओ अभी सनत समझ में आया? अरे फिर से आवाज आ रही है नहीं आ रही? समझ में हाँ, ठीक है, अब बोला करो तभी तो मैं आगे बढ़ूँ। अब सुनो, तीन भाषा वाला केस ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तीन भाषा में मैंने लिया, हिंदी इंग्लिश और उर्दू, ठीक है, ध्यान से समझना, हिंदी इंग्लिश उर्दू। अब देखो पहला केस बनेगा हिंदी जानता है इंग्लिश भी नहीं जानता है उर्दू भी नहीं जानता है, ऐसे बच्चे हो सकते हैं ना क्लास में आराम से हो जाए। दूसरा केस बनेगा, अब देखो ग्रुप में लिख रहा हूँ ग्रुप वन, क्योंकि ये बच्चों का समूह होगा जो हिंदी जानते इंग्लिश नहीं जानते उर्दू नहीं जानते। अगला ग्रुप टू समय बनेगा जो हिंदी नहीं जानते इंग्लिश जानते पर ना ही उर्दू जानते हैं। ग्रुप थ्री बनेगा जो ना तो हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं उर्दू जानते हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अब मैं कुछ कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ। ये हो गए जो एक भाषा जानते हैं, ओनली एक भाषा जानने वाले जिनको एक ना एक भाषा आती है, ठीक। आगे देखो ग्रुप फोर जिसको हिंदी भी आती है इंग्लिश भी आती है पर उर्दू नहीं आती। ग्रुप फाइव हो गए जिनको हिंदी नहीं आती है इंग्लिश आती है उर्दू आती है। ग्रुप सिक्स ऐसा होगा जिनको हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती है उर्दू आता है। तो ये हो गया जो दो भाषा को जानते हैं, तो दो भाषा को जानने वाले, ठीक है। आगे देखो, अब मैं अलग कलर ले रहा हूँ, ध्यान से समझना ताकि अलग समझ में आ जाए। ग्रुप सेवन होगा जो हिंदी भी जानते हैं इंग्लिश भी जानते हैं उर्दू भी जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, तीनों भाषाओं को जानने वाले, ठीक है। ग्रुप एट है जो ना हिंदी जानते हैं ना इंग्लिश जानते हैं ना उर्दू जानते हैं, तो ये कौन सा हो गया जो कोई भी भाषा को नहीं जानते हैं। ध्यान समझे, स्टेटमेंट ऐसे लिख के आएगा एग्जाम में, कोई भाषा नहीं जानने वाले। अब ध्यान से समझना, अब मैं इनका वेन आरेख बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, आठ केस बनेंगे ये चीज़ याद रखना, जब दो भाषा लेके चलते हैं आठ, और जब दो लेके चलते हैं तब चार केस बनते हैं, ठीक है। ये चीज़ मतलब चार ग्रुप बनते हैं या आठ ग्रुप, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ऐसा करते हैं अपन, ये तो समझ में आ गया ना। अरे लिखो, मैं फिर बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा, जो नोट्स नहीं बनाए वो लिखा करो, ये समझ में नहीं आएगा ऐसे। अब सुनो ध्यान से, मैं बना रहा हूँ इनका वेन आरेख बना रहा हूँ। वेन आरेख यहाँ बनाया जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जब मैं इसको हटा रहा हूँ देखो, ठीक, ध्यान से समझ रहा। अब मैं वेन आरेख बना रहा हूँ, तो मैंने क्या करें, एक अपर सीना, ठीक है, ध्यान से समझो, ये मैं वेन आरेख बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये मैंने ब्लू कलर लिया, ये मतलब मैं पहले ग्रीन कर, मतलब सुनो, ये हिंदी जानने वाले हैं, हिंदी जानने वाले, ये इंग्लिश जानने वाले हैं, ठीक है, और ये उर्दू जानने वाले हैं। ध्यान से समझना एक एक चीज़, ये अगर ये डायग्राम दोनों डायग्राम समझिए सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना। अब ध्यान से समझो, पहला केस, पहला ग्रुप है, ध्यान से समझना बस, जो हिंदी जानते हैं। अब देखो हिंदी जानने वाला यही ग्रुप है,
परंतु न तो इंग्लिश जानते हैं और न उर्दू जानते हैं, तो मतलब ना तो ये वाला एरिया आएगा ना ये वाला एरिया आएगा। इसके अलावा जो एरिया बचा है, मतलब देखो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है, और नहीं उर्दू जानते हैं। अब ध्यान समझो, मैं ऐसे केस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको सी से। अब ये याद रखना, आगे काम आएगा ही, तो रिप्रेजेंट करने का तरीका मैं यहाँ पे सारा लिखा देता हूँ। इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एक्स से, रिप्रेजेंट करूँगा इसको, ठीक है, इसको मैं वाई से रिप्रेजेंट करूँगा, और इसको मैं जेड से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं पी से रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा क्यू से, ठीक है। ध्यान से समझना, अब मैं यही लिखूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मान के चलो, पहले मैं बता दूंगा एक बार, फिर मैं एक बार रिप्रेजेंट भी करूँगा, ठीक है। तो ये पहला केस आ गया, जो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, उर्दू नहीं जानते। दूसरा देखो, जो ना तो हिंदी जानते हैं, मतलब ये वाला एरिया नहीं है, ओनली इंग्लिश जानते हैं, और नहीं उर्दू जानते हैं, तो मतलब ये वाला एरिया, जो हिंदी भी नहीं जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, उर्दू नहीं जानते, ठीक है। अगला देखो, जो ना तो हिंदी जानते हैं, इंग्लिश नहीं जानते, उर्दू जानते हैं, मतलब ये वाला एरिया नहीं आएगा, ये वाला नहीं, ये वाला एरिया आएगा, जो हिंदी भी नहीं जानते हैं, इंग्लिश भी नहीं जानते, बस उर्दू जानते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया ना? ये बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? अरे बोलो रे, यस या नो? ऐसा लगता कभी नहीं समझ में आया ना? अरे बोलो, यस या नो? हाँ सर। ठीक है, आप आगे सुनो ध्यान से। अब ये थे जो एक भाषा जानने वाले लोग हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, मैं इसको हटा के यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया, ए को रिप्रेजेंट, ये बी को, ये सी को रिप्रेजेंट, ठीक है, ध्यान से समझना, ताकि आगे ये नोटेशन काम आएगा, ठीक। आगे देखो, जी फोर क्या, जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। देखो अब ये वाला कॉमन एरिया याद रखना, जो हिंदी को भी जानते हैं, इंग्लिश को जानते हैं, परंतु उर्दू को नहीं जानते, तो ये वाला एरिया नहीं लेंगे अपन, ये वाला, तो ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। जो हिंदी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, पर उर्दू नहीं जानते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, ठीक है, ध्यान से समझना। आगे अगला है, जो हिंदी नहीं जानते हैं पर इंग्लिश और उर्दू जानते हैं, तो ये वाला एरिया हो गया, जहाँ पे हिंदी नहीं जानते हैं पर इंग्लिश को जानते हैं और उर्दू को जानते हैं, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करेंगे अपन इधर वाई से रिप्रेजेंट, ठीक है, वो कोई सी को, ठीक है, ठीक। अगला देखो, अगला जी सिक्स, जिसमें हिंदी को जानते हो, इंग्लिश को नहीं जानते हो और उर्दू को जानते हो, तो ये वाला, तो ये मान लो जेड हो गया अपना, जहाँ पे हिंदी को जानते हैं अपन, इंग्लिश को नहीं जानते, उर्दू को जानते हैं, ठीक है। अब देखो अगला केस जिसमें तीनों को जानते हैं। अब देखो तीनों को कॉमन एरिया कौन सा हो जाएगा, ध्यान से समझना ये चीज़। अब देखो ये वाला जो एरिया, ये पी, यहाँ पे देखो हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और उर्दू भी है, ठीक है। तो ये पी वाला एरिया कौन सा हो गया, जहाँ हिंदी को तीनों भाषाओं जानते हैं, हिंदी इंग्लिश तीनों भाषाओं जानते हैं। अब इनके अलावा जो बाहर वाला एरिया है, ये वाला एरिया समझो, इन गोलों के अलावा बाहर वाला जो एरिया है, जहाँ पे ना तो हिंदी को जानते हैं, ना इंग्लिश को जानते हैं, ना ही अपन उर्दू को जानते हैं, तो इस वाले इलाकों किसे डिनोट करेंगे अपन, क्यू से। अब मुझे बताओ यहाँ तक एक बार, मैं सुनो अब यहाँ पे एक बार दोबारा तुम्हें लोगों बना के दिखा देता हूँ, ताकि और क्लियर हो जाए किसको क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या है, ठीक है। सर यहाँ पे मेरा एक सवाल है। हाँ बोलो। ये वेन डायग्राम हम जो बना रहे होते हैं, तो इसे ब्रैकेट में ही क्यों बनाना होता है? देखो ब्रैकेट में बनाने के समझो ध्यान से, अभी वही चीज समझना है, ब्रैकेट जरूरी हो जाता है, वो मैं बता देता हूँ आपको क्यों जरूरी हो जाता है। देखो अगर ब्रैकेट नहीं बनाएंगे आप, ना पेन क्यों गड़बड़ी कर रहा है, कैन नॉट चूज ए कलर वाइल यूजिंग द इरेजर टूल। अच्छा देखो ध्यान से समझना, अगर आप जैसे मान लो बिना इसके बनाते हो, ध्यान से समझना, मान लो कि आपने ऐसे बना दिया, बिना इसके बना दिया, ठीक है, ब्रैकेट के। अब जैसे मान लो कि मैंने लिखा है ये 20% है, ये 30% है और ये 40% है, ध्यान से समझना। अब स्वाभाविक सी बात है कि ये अपने को कन्फर्म शो नहीं करा कि तीनों, जो देखो टोटल 100 होना चाहिए ना, इनको मतलब सारा कंप्लीट एरिया 100 होता है,
अभी देखो 20-30, 50-40-90 हो रहा है, इसका मतलब इसके बाहर का इलाका 50 मतलब 90 हो रहा है, तो 10% इलाका बाहर का शो कर रहा है ना इसका। तो जो आठवां केस होता है, जो मान लो हिंदी भी नहीं जानते, इंग्लिश भी नहीं जानते, उर्दू भी नहीं जानते, उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एरिया तो चाहिए ना, तो इसलिए जो ब्रैकेट वाला एरिया बनाते हैं ताकि आठवां केस आए उसके लिए बनाते हैं ब्रैकेट। ये ब्रैकेट बनाना जरूरी हो जाता है, पर हाँ बहुत सारे केस होंगे जिसमें नहीं जरूरी पड़ेगा, वो केस में आपको पढ़ के है ना क्वेश्चन को फिर समझना पड़ेगा आपको, समझ में आया, वो आपको क्वेश्चन के आधार पर देखना पड़ेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में है ना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत सारे क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, वो क्वेश्चन के आधार पर होगा, मैं बताऊँगा बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ध्यान समझो, इधर जो अपने उधर जो सीखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड वाला UPSC पे पूछता है मोस्टली, ठीक है। तो हिंदी जानने वाले, इंग्लिश जानने वाले, उर्दू जानने वाले, अब देखो मैंने रिप्रेजेंट किया है ये वाला एरिया ए बी सी एक्स वाई जेड पी और ए क्यू, समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के आधार पर सारी चीज़ें डिसाइडेड होगी। और याद रखना UPSC ओनली 3 तक ही जाता है, तो याद रखना जब 2 केस दिए रहते हैं तो 4 पॉसिबिलिटी बनती है, 4 ग्रुप बनते हैं, 3 दिया रहता है तब 8 ग्रुप बनते हैं, ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। एक चीज़ तो ये आ गई, अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको क्वेश्चन खोल के कि कौन से क्वेश्चन में क्या लगेगा क्या है, ध्यान से समझना। इधर आ जाते हैं अपन, ध्यान से समझो। अब देखो ये वाला जो केस है, चलो स्टार्टिंग में जाते हैं अपन ताकि चीज़ें समझ में आ जाए कौन सा क्या है, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझो, अब ये वाला है, ये वाला जो केस है इसमें देखो गणित, अंग्रेजी और गणित दिया, मतलब 4 पॉसिबिलिटी, मतलब मैथ और इंग्लिश, कैसे तो मैथ में फेल होगा पास होगा, इंग्लिश में फेल होगा, मैथ में फेल होगा, इंग्लिश में पास होगा, दोनों में पास होगा, दोनों में फेल होगा, 4 केस है, ठीक है। अभी तो देखो ये 3 केस है, इसमें 3 में 8 केस बनेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, जो अपन अभी अभी बनाए थे वो वाला ही चीज़ें सारी ऐसे पता होने चाहिए, ठीक है। एक तो ये तरीका होगा जो सिंपल से, आप देखो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सारणी मेथड से शुरू, मान लो सारणी मेथड से ही सही करना, आपको सारणी बनाना पड़ेगा, वो मैं बता देता हूँ आपको। वैसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें सारणी बनानी पड़ेगी, उसमें गोले से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब देखो ये सारे टाइप सीख लो पहले, कौन कौन से टाइप है जिसमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो वो वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ जिसमें टेबल बनाने की जरूरत पड़ेगी आपको, ये वाला क्वेश्चन नहीं, इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी टेबल बनाने की, इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको टेबल बनाने की जरूरत ज़रूर पड़ेगी, बिना टेबल के इसमें क्वेश्चन नहीं होगा, समझ में आया। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें सरीमे को संख्या देते, पहले देखो पहले सरीमे को डिवाइड किया गया है वुमेन और मैन में, फिर वुमेन और मैन को भी डिवाइडेड किया गया है मेरिड में, अनमेरिड में और ग्रेजुएट में, मतलब अपन लेंगे श्रमिक। पहले देखो ध्यान से समझना, पहले कामगार लोग हैं, कामगार लोगों को डिवाइड किया गया है मेल और फीमेल में, ध्यान से समझना ये चीज। फिर इनको आधार अगला डिविडेंड किया गया है, अगला विभाजित किया गया मेरिड और ग्रेजुएट, फीमेल को भी मेरिट और ग्रेजुएट। अब देखो ये क्या 4 केस बनेंगे, इसमें मेरिट हो सकता है, ग्रेजुएट नहीं हो सकता है, मेरिट नहीं है, ग्रेजुएट है, दोनों है, दोनों नहीं है। वुमेन का भी ऐसा हो सकता है, मेरिट हो, अनग्रेजुएट हो, मेरिट नहीं है, ग्रेजुएट है, दोनों है, दोनों नहीं है। अब ऐसे 8 केस बन रहे, तो 8 केस का तो अपन समझ आता है, मतलब वो आप गोला नहीं बना पाओगे ना आप, इसमें फिर आपको टेबल विधि बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो ध्यान से समझना टेबल विधि कैसे बनेगी, ध्यान से समझो, जैसे इसी क्वेश्चन को लेकर बता रहा हूँ, इसमें टेबल विधि बनेगी, ध्यान समझना। इसमें आपको लेना पड़ेगा, देखो ये दिखाएगा आपको कामगार, टोटल कामगार, देखो महिला, यहाँ पे मान लो महिला ले लिया आपने, ये आपने पुरुष ले लिया, देखो पहला आधार तो कामगारों को महिला पुलिस पुरुष के आधार पे बांटा गया ना, फिर इनको मैरिड है, ग्रेजुएट है, देखो मैरिड है, ग्रेजुएट नहीं है, पहला केस। दूसरा देखो मैरिड नहीं है, ग्रेजुएट है, ठीक है। थर्ड केस मेरिड और ग्रेजुएट, मेरिड भी है, ग्रेजुएट भी है। चौथा केस मेरिड भी नहीं है, ग्रेजुएट भी नहीं है। उसके बाद में अगला केस बनेगा यहाँ पे जो ये है, ये टोटल वाला कुल, समझ में आया। ये चीज़ याद रखना, जब ये 2 वाला दिया रहा होगा तब टेबल ऐसा बनेगा, जब 3 वाला दे दे, मान लो 3 लैंग्वेज को आधार पर दे दे, यहाँ से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल वाला मेथड UPSC पूछता है, इसमें देखो मेल फीमेल और ये मान लो कि टोटल, ठीक है। अब इसमें 8 केस बनेंगे,
हालांकि मेल फीमेल को भाषा के आधार पर बांटा गया है। देखो वही केस हिंदी इंग्लिश उर्दू, हिंदी जानता है इंग्लिश उर्दू नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता इंग्लिश जानता उर्दू नहीं जानता है, ठीक है। अगला केस क्या बनेगा, हिंदी भी नहीं जानता इंग्लिश नहीं जानता उर्दू जानता है। अगला केस बनेगा हिंदी भी जानता है इंग्लिश जानता उर्दू नहीं जानता है। अगला केस हिंदी नहीं इंग्लिश उर्दू जानता है। अगला हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं उर्दू जानता है, ठीक है। अगला केस क्या बनेगा, तीनों जानता है। अगला केस क्या बनेगा, तीनों नहीं जानते। फिर आखिरी में टोटल वाला भी केस लेने के चलना, ठीक है। तो ये हो गया सारणी मेथड विधि जो क्वेश्चनों में लागू होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो महामानव, ठीक है। अब देखो सुनो, अब इंपॉर्टेंट है, अब वो केस मैं बता रहा हूँ जिन केस के आधार पर यूपीएससी क्वेश्चन देता है, ठीक है। मतलब वो क्वेश्चन स्टेटमेंट जो बनाता है ना, वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या दिया होता है, कैसे क्या नहीं दिया होता। कितना बजा अभी, ठीक है। अब देखो दो भाषाओं पे पहले अपन सीखेंगे आज, फिर कल सी तीन भाषाओं पे सीखेंगे, ठीक है। आज दो भाषाओं पे लेंगे, फिर कल तीन भाषा वाला फिर क्वेश्चन करना शुरू करेंगे अपन, ठीक है। तो ये मान के चलो कल से अपन क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। दो भाषाओं का वेन आरेख, अब ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सीख लेगा तो क्वेश्चन बना लोगे। जैसे आज दो भाषा वाला करेंगे, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे, फिर तीन भाषा वाला करेंगे, फिर तीन भाषा वाला क्वेश्चन करेंगे। तो इससे क्या ना थोड़ा आपको सिस्टमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखो दो भाषा वाला ले रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसमें फिगर वन देखो कैसे दिया, ध्यान से समझना। फिगर में बना रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे अपने दो भाषा वाले चार केस बनाए, तो ध्यान से समझ लो। इधर हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है इंग्लिश जानता है, ये नहीं है, ठीक है। ये फिगर वन है जो इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जो हिंदी जानता है। देखो ये हिंदी है, ये इंग्लिश है, ध्यान से समझना। हिंदी जानते हैं, हिंदी जानने वाले लोग यही होंगे। अब देखो ध्यान से समझना, केवल हिंदी जानने वाले, ये जो रिप्रेजेंट करेगा ये एरिया केवल हिंदी जानने वाले, और हिंदी जानते हैं उसको रिप्रेजेंट करेगा ये सारा एरिया। समझ में है, ध्यान से समझना। अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, इस एक्स को या मान लो ए कुछ भी मान लो, इसको ए मान लो, जो भी है, इस ए को लेके क्या क्या स्टेटमेंट बनेगा। केवल, ध्यान से समझना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इस एरिया की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने कलर किया है, अभी ध्यान से समझना। इसको लेके क्या स्टेटमेंट लिखता है यूपीएससी, या अपन क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, ध्यान से समझना। केवल हिंदी जानने वाले, केवल बोल दिया तो मतलब श्योर कर दिया, समझ में आया। केवल मतलब हिंदी जानने वाले, अगर ये एरिया ले लोगे तो इसमें तो इंग्लिश जानने वाले भी आ जाएंगे ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों। इसलिए अपने कौन सा एरिया चाहिए, केवल जब बोल दिया तो ओनली हिंदी जानने वाले चाहिए अपने को, ठीक है। केवल हिंदी जानते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, केवल हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, तो नहीं जानता तो मतलब ये एरिया नहीं लेंगे अपन, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अगर आप इसको चाहो नकारात्मक तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिखना, केवल इंग्लिश नहीं जानता है, इंग्लिश नहीं जानता इसका मतलब क्या है, हिंदी जो है जानता है, वह हिंदी जानता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद हो गया। थर्ड स्टेटमेंट मतलब इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि केवल हिंदी जानते हैं, सेकेंड स्टेटमेंट केवल इंग्लिश नहीं जानता है, मतलब जो दो ही भाषा है जिसमें इंग्लिश नहीं जानता, तो इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी जानता है। अब हिंदी जानता है तो मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा ना ये एरिया, क्योंकि जब इंग्लिश तो जानता नहीं है वो, तो ये वाला एरिया तो आएगा नहीं, ओनली ये वाला एरिया ही आएगा, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट, इसी स्टेटमेंट को कैसे लिखा जा सकता है क्वेश्चन में, यूपीएससी घुमाता है, हिंदी जानता है लेकिन इंग्लिश नहीं जानता है। ये बात तो सही है, देखो स्टेटमेंट यहाँ देखो, हिंदी तो जान रहा है पर इंग्लिश नहीं जान रहा है, तो यही तो पहला केस है, ध्यान समझो, हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है। अब देखो अगला फिगर टू में लेके चल रहा हूँ, देखो मैं कहीं पे भी, अब मुझे बता समझ में आया ना फिगर वन, मैं फिर बता रहा हूँ यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर ये समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन कर लोगे। ये बताओ समझ में आया,
अरे बोलो यस या नो। सर क्या हो गया? नगीना और दीदी से पूछो सर, मेरे तो मुझे तो आए जाएंगे बात ये नहीं है वो तो चलो बात की बात है, मैं ये बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रहा है? अभी फिगर टू अपन लेके चल रहे हिंदी इंग्लिश वाला ग्रुप टू लेके चल रहे, मतलब हिंदी नहीं आती इंग्लिश नहीं आती ठीक है। अब ध्यान समझो इसमें क्या बनेगा डायग्राम ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये हिंदी है इंग्लिश है, मतलब उसको हिंदी तो नहीं आती भाई, ये तो हटाई दो एरिया, तो मतलब ये एरिया की बात चल रही है, ये मान के चलो बी है या वाई है जो भी है। अब देखो इसके स्टेटमेंट क्या बनेगा, केवल पहला स्टेटमेंट केवल इंग्लिश जानता है, सही बात है ना, ओनली इंग्लिश जानता है ना, वो हिंदी तो जानता नहीं है ठीक, केवल हिंदी नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता तो मतलब इंग्लिश जानता है ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, इंग्लिश जानता है लेकिन या किंतु एज हिंदी नहीं जानता ठीक है, ये आएगा फिगर टू। अगला देखो फिगर थ्री, अभी मैं ट्यूशन करवाऊंगा फिर देखना, फिर तुम लोगों को उठा उठा के फेंकूंगा, अगर नहीं ट्यूशन नहीं बने तो। अगला देखो हिंदी और इंग्लिश, अब तीसरा केस क्या बनेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, ध्यान से समझना, इसमें कौन सा एरिया आ जाएगा, ये वाला एरिया आएगा जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, मान लो इसका अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से या जेड से जो भी एक्स वाई जेड, मान लो बात मैटर वो करता है कि क्या स्टेटमेंट बनेगा इसका, तो इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा यहाँ पे, तो ये भी तो कहते हैं ना कि ना तो वो हिंदी जानता है ना वो इंग्लिश जानता है, उसके लिए तो फिर ये केस बनेगा, वो ये बनेगा ना, हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है, वो अगला केस देखेंगे अपन फिगर फोर में इसी में आएंगे ठीक है। अभी अभी फिगर थ्री में अपन थोड़ा वेट करो ठीक है, ध्यान से समझो। अगला देखो अब इसके क्या क्या स्टेटमेंट बनेंगे, केवल केवल हिंदी और इंग्लिश जानता है, पहला स्टेटमेंट मैं फिर बताऊँ, लिख लो ये चीज़ें काम आएगी, केवल हिंदी मतलब इंग्लिश और हिंदी जानता है, या फिर इसी स्टेटमेंट क्या लिख सकता है, हिंदी यूपी ज़्यादातर यही लिखता है ये वाला स्टेटमेंट, हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है, समझ में आया। अगला है कि दोनों भाषा जानता, दोनों यहाँ पे दो ही भाषा है तो दोनों भाषा जानता मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों जानता है। अब देखो एक चीज़ थोड़ा ये बेसिक चीज़ है सीख लो, जब ऐसा लिखा हो हिंदी और इंग्लिश, इसका मतलब होता है टुगेदर है, टुगेदर मतलब दोनों साथ में आएंगे, कॉमन कॉमन ये वाला एरिया। अब जब बोल दे हिंदी या इंग्लिश समझ में आया, तो इसका मतलब होता है नॉट टुगेदर, दोनों साथ में नहीं आएंगे, ये चीज़ मतलब समझ लेना, साथ में नहीं है दोनों। और जब और लिखा, जैसे अपने यहाँ पे क्या लिखा है, केवल हिंदी अंग्रेजी और हिंदी जानते हैं, और मतलब टुगेदर दोनों साथ में आएंगे इसलिए ये इलाका आएगा ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें पर आना चाहिए। अगला है फिगर फोर, अब फिगर फोर वही केस, हिंदी जानता है सॉरी हिंदी भी नहीं जानता और इंग्लिश भी नहीं जानता है। अब ध्यान से समझो, अब इसमें ये केस तो बनेगा ही नहीं, इनका मतलब ही नहीं, ये तो हिंदी, देखो अब ध्यान समझना, ये हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, ये हिंदी नहीं जानता पर इंग्लिश जानता है, और ये हिंदी जानता है इंग्लिश जानता है, अब इनमें से तो कुछ आएगा नहीं, इसलिए डब्बा बनाने की जरूरत पड़ती है इस केस में, जब हिंदी भी नहीं जानते और इंग्लिश भी नहीं जानते, ये वाला केस बनेगा। अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, जो यूपीएससी खत्म देता है, हिंदी और इंग्लिश के अलावा, इंग्लिश के अलावा किसी अन्य भाषा को जानता है, अब अपने को पता नहीं है वो अन्य भाषा है या नहीं, समझ में आया, तो इसका स्टेटमेंट ये बनेगा, तो तब उस कंडीशन में अपने को ये लेके चलना पड़ेगा ठीक है। अब ये तो हो गया जो नॉर्मली अपन, अब अपन क्या करते हैं, जैसे फिगर वन और फिगर टू दोनों को मिला के फिगर बना रहे हैं आप, समझ में आया, मतलब देखो जैसे हिंदी और इंग्लिश, पहला क्या जिसमें हिंदी भी नहीं जानते इंग्लिश नहीं जानता, मतलब हिंदी जानता इंग्लिश नहीं जानता, ग्रुप वन, ग्रुप टू क्या है,
जब वो हिंदी नहीं जानता इंग्लिश जानता, अब इन दोनों को कंबाइन अपन डायग्राम बना रहे हैं, ध्यान से समझ रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, हिंदी है इंग्लिश है, पहला केस हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता, तो कौन सा एरिया, ये वाला एरिया हो जाएगा। अगला हिंदी नहीं जानता इंग्लिश जानता है, ये वाला एरिया हो जाएगा। अब इन दोनों को सोचो स्टेटमेंट, अब इसका इस डायग्राम का स्टेटमेंट बनाना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इससे पता लग रहा है कि कम से कम एक भाषा जानने वाले लोग, मतलब देखो अपन इंश्योर तो नहीं हो पा, कन्फर्म नहीं हो पा रहे ना, मतलब अपन ऐसे तो नहीं लिख सकते हिंदी जानता है ये वो नहीं, पर इससे पता लग रहा है कि तो कम से कम एक भाषा तो जरूर जान रहा है वो व्यक्ति जिसको हिंदी भी आता है और इंग्लिश भी आता है, तो इसका मतलब एक भाषा जानने वाले लोग, केवल एक भाषा जानने वाले लोग, ठीक है। और क्या बन सकता है दूसरा स्टेटमेंट, केवल हिंदी या इंग्लिश जानने वाले, ये बात सही है क्या, तो केवल हिंदी जान रहा है केवल इंग्लिश जान रहा है। अगला एक इसका एक अगला स्टेटमेंट बनेगा, केवल एक भाषा जानते हैं, ठीक है सॉरी एक केवल एक भाषा नहीं जानते, इसका मतलब एक से ज़्यादा जानते हैं, केवल एक भाषा नहीं जानते, मतलब समझ में आते हिंदी भी जान रहा है और इंग्लिश भी जान रहा है, ठीक है। तो ये अपना फिगर 5 हो गया, ये याद रखना। अगला है फिगर 6। अब फिगर 6 में क्या ले रहे हैं ध्यान से समझना, इसमें ये भी ले रहे हैं ये भी ले रहे हैं और साथ में ये भी ले रहे हैं, तो अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा ध्यान से समझो, और इसके फिर स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। क्या हुआ आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है ना मेरी, अब ध्यान से समझो, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, समझो ध्यान से, ठीक है। अब देखो इन तीनों का सामूहिक स्टेटमेंट बनाना अपने को, ठीक है। तो इससे अब देखो इससे ये पता लग रहा है कम से कम आएगा, ध्यान समझना इसमें वर्ड, कम से कम एक भाषा जानने वाले। मेरी आवाज नहीं आ रही, रुको रुको एक मिनट, एक मिनट बता, अभी आवाज आ रही है मेरी, नहीं आ रही, रुको एक मिनट, बहुत ही दिमाग खराब होता है ऐसे, अभी बताओ अभी आवाज आ रही है मेरी, अभी आया आ रही है, ये बताओ कहाँ तक मैंने बताया तक, ये समझ में आ रहा ना, ये फिगर 6 लेके चल रहे हैं अपन, ठीक है बताओ बताओ समझ, बताओ आ रहा है हाँ, अभी बताओ अभी आवाज आ रहा है मेरा क्लियर, क्लियर तो नहीं आ रहा पर सर आ रही आवाज, ठीक है सुनो अब ध्यान से, अब देखो इसका स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब देखो ये हो गया हिंदी जानने वाला, ये इंग्लिश जानने, ओनली हिंदी जानने वाले एक्स का मतलब, इसका मतलब ओनली इंग्लिश जानने वाले, और इसका मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वाले। अब इससे क्या पता लग रहा है कि कम से कम एक भाषा तो जान रहे हैं वो लोग, तो पहला स्टेटमेंट क्या बन जाएगा, कम से कम एक भाषा जानने वाले लोग, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, एक या एक से अधिक भाषा जानने वाले लोग, एक भाषा जानने वाले लोग तो कौन है, एक्स और वाई, और एक से अधिक जब भाषा जानने वाले कौन हो गए, जेड हो गया, ठीक। अगला स्टेटमेंट इसका क्या बन सकता है, या तो हिंदी जानने वाले या इंग्लिश या दोनों जानने वाले, दोनों भाषा जानने वाले, ठीक है। अगला स्टेटमेंट इसका क्या बन सकता है, अधिक से अधिक कितनी भाषा जान रहे हैं वो लोग, अधिक से अधिक दो भाषा जानने वाले लोग, अब सब बात है, दो भाषा के तो हिंदी इंग्लिश दोनों जानते हैं, कैसे इंग्लिश हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं, ठीक है, कैसे इंग्लिश जानते हैं हिंदी नहीं जानते हैं, ठीक है। ये केस बन रहा है ना, ये समझ में आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी के इंपॉर्टेंट है, देखो इससे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे मैं वो बता रहा हूँ। अब अगला देखो फिगर नंबर सेवन में ले रहे हैं,
ध्यान से समझना, अब मैं पूरा हिंदी को लेके चल रहा हूँ, ये एक्स हो गया, ये मान लो जेड हो गया। अब ध्यान से समझना, अब इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो एक्स के लेके दो स्टेटमेंट बनेंगे, ये हिंदी भी जान रहा है, इंग्लिश भी जान रहा है, ठीक है। मतलब देखो जेड वाला तो सॉरी, इसमें एक जैसे मान लो हिंदी वाला जो ये, हाँ सॉरी, हिंदी वाला एरिया तो इतना ही कहलाता है ना, हाँ ये वाला एक्स तो इतना ही कहलाता है, तो मतलब हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता, पर जेड वाले केस में देखो, परंतु इसी केस में अगला जेड वाला केस में क्या पॉसिबल बने, हिंदी भी जान रहा है और इंग्लिश भी जान रहा है, तो अब इसमें क्या बनेगा, कम से कम हिंदी जान रहा है। अब देखो ये वाला कम से कम तो हिंदी जान ही रहा है, उसके अलावा इंग्लिश भी जान रहा है, ठीक है, अन्य भाषा की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, फिगर नंबर 7 और फिगर नंबर 8 मतलब दोनों सिमिलर ही है, और याद रखना कम से कम हिंदी जानने वाले लोग स्टेटमेंट एक में एक बनेगा, अगला बनेगा स्टेटमेंट एक का, हिंदी पसंद करने वाले केवल हिंदी प्लस दोनों भाषा, ठीक है, ध्यान से समझना, हिंदी पसंद करने वाले। अब देखो ये एरिया हिंदी पसंद करने वालों का है, केवल तो नहीं बोला इसने, केवल में तो ये समझ बात है, हिंदी तो पसंद कर ही रहा, साथ में इंग्लिश का पॉसिबिलिटी बनता भी है और नहीं भी बन सकता, ठीक है, दोनों चीज़ हो जाएगा। तो ये कम से कम क्या हो गया, हिंदी जानने वाले लोग हो गए। अब अगला फिगर एट जस्ट इसका उल्टा बन जाएगा, कुछ ही नहीं उसमें, उसमें अपन इंग्लिश को लेके चलेंगे। अब इसमें क्या हो गया, कम से कम क्या हो जाएगा, इंग्लिश जानने वाले लोग, समझ में आया, केवल इंग्लिश जानने वाले लोग या दोनों भाषा जानने वाले लोग, ये वाला कौन सा आ गया, दोनों भाषा जानने वाले, और ये वाला कौन सा आ गया, केवल इंग्लिश जानने वाले लोग, तो ये स्टेटमेंट बनेगा। अगला है फिगर 9। अब मैं फिर बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आखिरी का है, लास्ट है, एक और बनेगा इसके बाद में 10वां। आवाज़ आ रही है अभी, ये वैशाली कहाँ सो रहे थे इतना लेट, अभी ज्वाइन किया, वो लेटर वगैरह आया तो उसी को देख रहे थे, जॉब का लेटर आया, मतलब नया जॉब मिल लगा है क्या आपका? नहीं वो सैलरी बढ़ने का आया है। चलो बधाई और मिठाई उठाई खिलाओ, आप सैलरी बढ़ गया आपका। अच्छा 22,000 हो गया क्या? वो नर्मदा बता रही थी कि आपका सैलरी 22,000 की समथिंग होने वाला है। हमारा सर 28,000 हुआ है। अरे वाह बढ़िया है, फिर तो बहुत बहुत बधाई। पहले कितना था? पहले था हमारा 22,000, अब तो उसमें टीडीएस वगैरह कटता था, अब 28,000 हो गया। चलो बढ़िया है अभी तो। अब देखो इधर, आप अगला केस देखो, ये स्टार्टिंग से केस क्लास देख लेना कल, तभी समझ में आएगा, ठीक है। अब आप देखो, अब ये वाला केस लेके चल रहे हैं जिसमें देखो ओनली हिंदी जानने वाले लोग, ठीक, ध्यान से समझना, और उसके अलावा मतलब इसका मतलब सीधी सी बात है, इसका सामूहिक स्टेटमेंट क्या बनेगा। देखो यहाँ पे अपने को पता लग रहा है कि जो एक्स एरिया जो किसको दर्शाता है कि हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, ठीक, और जो ये वाला एरिया है, ये वाला पी जो है, इसका मतलब ना तो हिंदी जानता है ना इंग्लिश जानता है। अब इसका क्या बनेगा कि कम से कम एक भाषा तो नहीं जानता है, ठीक है। देखो ये क्या बन गया, दोनों भाषा नहीं जानता, यहाँ पे एक भाषा जानता है एक भाषा नहीं जानता है, तो इसका क्या बना, कम से कम इंग्लिश नहीं जानता है। हाँ देखो इंग्लिश नहीं जानता, तो कम से कम इंग्लिश नहीं जानता एक स्टेटमेंट ये बन जाएगा, ठीक है, क्या तो केवल इंग्लिश नहीं जानता या दोनों नहीं जानता, ठीक है, ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगला फिगर नंबर 10। अब इसमें क्या डायग्राम, ध्यान से समझो, इसमें इंग्लिश वाला लेके चले, इंग्लिश हो गया हिंदी। हेलो, हाँ बोलो। सर हमने अभी पीवीएससी पर तो दिया, लेकिन उसके सर नोट्स भी बना रहे हैं क्वेश्चन के, आरएनडी के, लेकिन सर वो बहुत बड़े हैं, अगर उसको बड़े छोटे मतलब ऑप्शन को देखा जाए, उनको मतलब डिटेल में डीप में पढ़ा जाए, तो उनको मतलब शॉर्ट में बनाना है कि, अरे मैंने जो बोला है ना, वो वीडियो देख रहे हो ना, वो अर्जुन आईएएस वाला देख रहे हो ना वीडियो, उसी का देखो, जो लिखता है वो बंदा तुम भी लिखो अपने पेपर में, तभी फायदा है उसका। इंग्लिश जानता है, इसका मतलब हुआ कम से कम हिंदी नहीं जानता है,
कम से कम हिंदी नहीं जानता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बनेगा इसका। इसके अलावा जो होगा, या फिर बनेगा केवल हिंदी नहीं जानते या दोनों नहीं जानते हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को ना अभी ऐसे समझ नहीं आएगा, अभी देखो मैं पहला क्वेश्चन करवाता हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे आ जाओ, नहीं उसमें दो केस बनेंगे, तो मैं पहले कुछ और दूसरा इजी से क्वेश्चन करवाता हूँ तुमको। देखो अभी अपने सारे दो केस वाले समझे, बस अब मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ कि क्या कैसे यूपीएससी स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, वो चीज़ याद रखो, वो इम्पोर्टेंट है। और फिर बता रहे स्टेटमेंट, हाँ अब ध्यान से समझे, देखो अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना बस। अब 30 विद्यार्थियों के एक समूह में, अब देखो ये 30 विद्यार्थियों समूह दिया है, तो मतलब ये पूरा टोटल अपन ये मान के चल रहे हैं, हो सकता है कि वो ब्रेकेट की जरूरत पड़े ना पड़े, अपन आगे वो दिया होगा इसी कंडीशन के आधार पर समझेंगे। 30 विद्यार्थियों के समूह में प्रत्येक विद्यार्थी ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों विषय में से कम से एक का चयन किया, तो इसका मतलब ये बनाने की अब ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट अपन क्या बनाएंगे, गोला, क्योंकि इसने बोल दिया कि कम से कम तो एक विषय तो चुन ही रहे हैं उनमें से, समझ में आया ना कि ना। तो जो हम बोल रहे थे कब ब्रैकेट बनाने की जरूरत पड़ती है, वो क्वेश्चन के आधार पर निर्धारित करेंगे अपन। तो इसका मतलब है, जैसे मान लो ये क्या है, हिंदी और अंग्रेजी है ना, तो यहाँ पे तीन ही केस बनेंगे। अब हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है इंग्लिश जानता है, क्योंकि अब इसने बोल दिया कम से कम एक भाषा तो जानते ही है, तो ये क्या है, कम से कम एक भाषा जानने वाले का समूह है, तो चौथा जो केस है वो नहीं कंसिडर होगा यहाँ, वो बनेगा नहीं। इसका मतलब इन तीनों केस का टोटल 30 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये दो ही डायग्राम अपने को बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ध्यान से समझो अगला क्वेश्चन, उनमें से 12 विद्यार्थियों ने हिंदी और 22 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी का चयन किया, ये हिंदी है ये इंग्लिश है, नहीं ना मुझे बताओ, अब मैं हिंदी कहाँ लिखूँ, ये 12 विद्यार्थी जो है मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, यहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, बताइए। अगर आपने समझा हो, केस मैंने बनाए थे इतने सारे, तो अगर आप समझ चुके तो बताओ कहाँ लिखूँ, बताओ हिंदी को। सर्कल के अंदर बनेगा, बस यही बहादुरी चाहिए थी तुम लोगों से। सना तुम बताओ, अरे इतने देर 12 विद्यार्थियों ने हिंदी और 22 विद्यार्थियों ने अंग्रेजी का चयन किया, तो एक बोला हिंदी को हो जाएगा, एक इंग्लिश का हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसीलिए मैं इतनी देर से क्यों पीछे पड़ रहा था भाई, मैं क्या बोला था ये स्टेटमेंट, वो मैं इतनी देर से क्या समझा रहा था तुम्हें, वो स्टेटमेंट ही समझा रहा था कि स्टेटमेंट का मतलब क्या था। सुनो अब ध्यान से, इधर उनमें से 12 विद्यार्थियों ने हिंदी, अभी हिंदी देखो ये पूरा गोला है, ये पूरा गोला है, ये नहीं बोला कि केवल हिंदी, तो ये पूरा गोला के बारे में बोल रहा तो बाहर आएगा ना, अगर ये बोलता केवल हिंदी जानता है तब यहाँ पे 12 आता, समझ ये हिंदी जानने वाला ग्रुप है ना, ये वाला, ये पूरा हिंदी जानने वाला, देखो ये हिंदी जानने वाला, तो हिंदी कितने जानने, इंग्लिश को सेपरेट नहीं किया इसमें, ठीक है सुनो ध्यान से, अब इंग्लिश मिक्स है इसमें, ठीक है हिंदी जानने वाले हो गए, 22 विद्यार्थी ने अंग्रेजी का चयन किया, 22 विद्यार्थी मतलब ये आएगा ना कि ये वाला, ठीक। अब अगला देखो, केवल अंग्रेजी का चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, अब ध्यान से समझो, अब पूछ रहा है वो आपसे, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये मान लो कि ये सी है, ध्यान से समझा, ये नोटेशन कुछ भी कर लो, तो आपसे बी का वैल्यू पूछ रहा है, बी का वैल्यू समझ में आया, बी का वैल्यू पूछ रहा आपसे। अब देखो आपको ये दिया है और आपको ये दिया है और आपको ये टोटल दिया हुआ है, अब समझ में आया, तो अब आपसे पूछ रहा है बी का वैल्यू। अब देखो ध्यान से समझना, मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना और मुझे बताना है सही है गलत है क्या है, ध्यान से समझना। अब देखो हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, सही बात है ना, अरे यस या नो, ये सही लिख रहा हूँ ना, हिंदी जान क्या हो गया, क्या क्या बोलो, पेन नहीं चला हुआ दिख रहा आपका, किधर पेन चला रहे,
क्यों नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं दिख रहा क्या? अभी बताओ, अभी मैंने अभी देखो देखो दोबारा, अभी स्क्रीन तो दिखा हुआ है, अभी मैंने देखो ये हटा दिया सारा, अभी दिख रहा है? दिख ही रही है स्क्रीन। अच्छा स्क्रीन नहीं चल रहा है, हिंदी इंग्लिश। रुको अभी अभी देखो, अभी स्क्रॉल किया मैंने, अभी दिखा? स्क्रॉल नहीं है, वही पे ये स्पोर्टिंग मोशन दिख रहा है। अरे अभी स्क्रॉल हुआ, ये नेट स्लो चल रहा है। अभी हुआ, अभी बताओ। हाँ हुआ सर। अब सुनो ध्यान से, अभी इधर ये डायग्राम बना था, अभी डायग्राम बना रहा हूँ, दिख रहा है ना? सर क्वेश्चन पूछ रहा है, 84 क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है। अरे रुक जाओ, पीछे चला गया, रुको। एक क्वेश्चन करवा देता फिर सारे आप कल करते, वो क्वेश्चन ही कर देते। नो इंटरनेट शो कर रहा है। अभी बता, अभी अभी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है सर। अभी बताओ, अभी दिखा 14 नंबर क्वेश्चन? दिखा दिखा, हाँ हाँ दिखा दिखा, अब पेन चला हुआ दिख रहा है। अब ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब देखो सुनो ध्यान से। 30 विद्यार्थी समूह दिया है, ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दो भाषा में से कम का एक का चयन किया है। इसका मतलब ध्यान समझो, हिंदी इंग्लिश, कैसे हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता इंग्लिश जानता है, या दोनों जानता है, कम से कम बोला है, तो ये तीन केस ही बनेंगे, चौथा केस नहीं बनेगा क्योंकि कम से कम बोल दिया है। अब मैंने ये गोला बना दिया, ये हिंदी जानते वाले, ये इंग्लिश जानने वाले, ये मैंने ए लिया, ये मैंने बी लिया, ये मान लो मैंने सी लिया। ध्यान से समझना आप। अब उनमें से 12 विद्यार्थी हिंदी जानता है, तो 12 ये बाहर आए, ये टोटल को दिखा रहा है, टोटल हिंदी को दिखा रहा है, समझ में आया? टोटल हिंदी को दिखा रहा है। इंग्लिश, टोटल इंग्लिश कितने जानने वाले लोग हैं? 22। और अपने से पूछा केवल अंग्रेजी का चयन करने वाला, केवल अंग्रेजी का चयन करने वाला। देखो ध्यान से समझना, ये केस को मैं ए बता सकता हूँ। ए मतलब क्या है? जो हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं। बी क्या है? जो हिंदी नहीं जानते और इंग्लिश जानते हैं। सी क्या है? जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं। समझ में आया? अरे बोलो यस या नो। अब ध्यान से समझो, इनका टोटल कितना दिया है? 30। मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है? 30। ठीक है, अब सुनो, अभी तो ध्यान से समझना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ बी प्लस सी इज इक्वल टू 22? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ बताओ? ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के आ जाएगा ना, टोटल इंग्लिश वाला है ये, तो ये देखो मैंने इन दोनों को जोड़ के लिखा है। ठीक है, अब आगे देखो, बी प्लस सी का वैल्यू मैंने यहाँ रखा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8। ठीक है, अब ध्यान से रखो, अब देखो ए प्लस सी इज इक्वल टू 12, ए का वैल्यू 8 रखो, सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, अब सी का वैल्यू आ गया, तो अब यहाँ पे सी का वैल्यू रख दो, बी का वैल्यू तो अपने को चाहिए, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 18। तो अपना आंसर आ गया। अब बताओ समझ में आया? ये डायग्राम की हेल्प से किया, डायग्राम की हेल्प से क्वेश्चन करने हैं, तभी क्वेश्चन होंगे। अरे समझ में आया कुछ? कुछ तो आया सर। कुछ तो आया। ये सना कहाँ है? सना बताओ, सो गई क्या ये? पक्का क्लास देखते देखते सो गई। चलो ठीक है, अभी बताओ, दोबारा समझाओ इसी क्वेश्चन को। हाँ सर, यहाँ से जो आपने C1 C2 C3 लिया था ना, इसके बाद सर देखो। रुको एक मिनट, चलो मैं इसको ना उधर करता हूँ, इधर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। सुनो इधर, अब ध्यान से देखना इधर, अब दोबारा देखो क्या क्या दिया है, अभी समझ में आएगा। हिंदी इंग्लिश, ठीक है, हिंदी जानने वाले दिए हैं 12, इंग्लिश जानने वाले दिए हैं 22। बी ए सी ए, ठीक है, ध्यान से समझना। और मुझे क्या कंडीशन दे दी है कि कम से कम एक भाषा जानते हैं, तो मतलब देखो हिंदी इंग्लिश, तो कहते हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता है, हिंदी नहीं जानता इंग्लिश जानता है, और हिंदी इंग्लिश दोनों जानता है।
और इसका मान ही मुझे दिया है टोटल 30। अब देखो ए का मतलब क्या है, जो हिंदी जानता है इंग्लिश नहीं जानता, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ ए। बी क्या है, जो हिंदी नहीं जानते हैं इंग्लिश जानते हैं, ठीक है, तो ये हो गया बी। सी क्या है, जो हिंदी भी जानते हैं और इंग्लिश भी जानते हैं, सी। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दिया है, 30। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, अब सुनो ध्यान से आगे। अब मुझे बताओ बी प्लस सी इज इक्वल टू मैं 22 लिख सकता हूँ? देखो ध्यान से समझो, ये वाला एरिया इंग्लिश को दर्शा रहा है, टोटल इंग्लिश। समझ में आया? हाँ, देखो ये हिंदी को दर्शा रहा है, ए प्लस सी इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये लिख सकता हूँ ना आराम से। अब ध्यान से देखो, बी प्लस सी का मान यहाँ पे रखो 22, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 8। ए का मान यहाँ पे रखोगे तो सी का मान कितना आ जाएगा, 4, ठीक है। अब जब सी का मान यहाँ पे रखोगे तो बी का मान 18 आ जाएगा। बस सर, बी का मान ही तो पूछा, बी क्या है, केवल इंग्लिश जानने वाले लोग। बस आगे आंसर, इधर आ जाओ, समझ में आया? केवल अंग्रेजी चयन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, केवल, केवल मतलब बी 18। अब समझ में आया? तो देखो अब ऐसे टाइप के ना, अब सुनो, ये मैंने करवा दिया, अब तुम लोगों को कौन सा होमवर्क दे रहा हूँ, अभी कल चाहिए मुझे क्वेश्चन, अब ध्यान से समझो कौन कौन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करके आने हैं, मैं होमवर्क लिख रहा हूँ और वो बनेंगे आराम से, अगर ये समझा अच्छे तरीके से बन जाएंगे, बस डायग्राम बना के करोगे, ठीक है। मैं होमवर्क लिख रहा हूँ, एक नंबर क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। आगे देखो, ये होमवर्क है, लिख लो, ठीक है, ये होमवर्क है आपका, इजी है, कुछ नहीं, बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब मैं जो करके आएगा मैं तभी बताऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये तो हो गया अपना कंप्लीट, ये रुक जाओ, इसमें एक अलग कंडीशन लगेगा, इसमें रुक जाओ, ये मैंने बता ही दिया है, ये हो गया अपना, ये रुक जाओ, ये अलग क्वेश्चन है, एच ओ टी है, ये तीन क्वेश्चन, तीन केस, ये अलग क्वेश्चन छोड़ दो अभी, ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, 22। ये होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है, बहुत इजी है, बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है तुम्हारा, ये होमवर्क है, ये तीन भाषा वाला नहीं, तीन भाषा वाला भी केस पढ़ेंगे उसके बाद में, ये भी तीन भाषा वाला है, ये भी तीन भाषा वाला छोड़ दो अभी, ये भी तीन भाषा वाला, ये भी तीन भाषा वाला है, ये टेबल वाला छोड़ दो अभी, ये भी छोड़ दो अभी, ये छोड़ दो अभी, 40, ये भी छोड़ दो, ये वाला ट्राई करना, ये भी होमवर्क है, तो ये सारे क्वेश्चन करके आना है कल, तभी मैं आगे क्लास लूंगा, नहीं को मतलब नहीं है, क्योंकि देखो फिर मेरे पढ़ाने को मतलब नहीं है, आप लोग कोई मतलब ही नहीं होगा, ठीक है, तो ये काम करके आना, तभी मैं क्लास लूंगा आगे, चलो ठीक है ना। कल आपने जो संडे को टेस्ट लिया था ना, उसमें एक क्वेश्चन है, हाँ बताओ, अंडर रूट वाला, एक मिनट रुको मैं खोलता हूँ टेस्ट, बता रहा हूँ, रुक जाओ एक मिनट,